हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे कि पिछले साल फोर ईयर की आपकी क्या कुछ कट ऑफ रही थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो क्योंकि काफी स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि कितने नंबर आपके आ जाए तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, जो पीकेबी एजु ज्ञान है ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे ये डाउनलोड कर सकते हैं सर्च करके पीकेबी एजु ज्ञान। वहां पे आपको फोर ईयर प्रोग्राम के लिए ठीक है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 2500 प्लस क्वेश्चन के ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जो आप क्या है ऑनलाइन टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर मेजर टेस्ट है, माइनर टेस्ट है, ठीक है, और वीकली टेस्ट है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करेंगे। साथ ही साथ क्या है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे पीडीएफ की फॉर्म में, यानी कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत बूस्ट अप हो जाएगी, आपका स्कोर क्या है थोड़ा सा इंक्रीज होने के चांसेस हो जाएंगे अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो जब फटाफट आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। यहाँ पे आप जो पीडीएफ में देख पा रहे हैं कट ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि जो फर्स्ट कट ऑफ की काउंसलिंग है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फोर ईयर में क्या होता है बच्चों, जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में क्या होता है बच्चों, आपसे काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किया जाता है, यानी कि आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देते हो उसके बाद में आपकी लिस्ट लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे फर्स्ट लिस्ट लगेगी। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में क्या है आपके जो स्टूडेंट वहां पे क्या है प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर उसके बाद में वैकेंट सीट रह जाती है तो उसके लिए क्या है सेकंड आपकी लगती है कट ऑफ। इसी तरह से क्या है, जब तक आपकी वैसे तो लगती है लगभग दो ही आपकी काउंसलिंग के लिए जो कट ऑफ लगती है, अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो वो क्या है आपकी फिजिकल काउंसलिंग भी होती है, उसके थ्रू एडमिशन हो जाता है। तो अगर हम मैं फोर ईयर की बात करूं तो फोर ईयर में क्या होता है बच्चों, जो फर्स्ट जो आपकी कट ऑफ लगती है उसमें क्या है सबसे पहले क्या ज्यादा नंबर वालों का वहां पे क्या है नाम आता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ का क्या हो जाता है जेई वगैरह में हो जाता है, या फिर कहीं कोई कहीं पे और एडमिशन ले लेते हैं, या फिर कहीं नीट के थ्रू क्या है अपना एडमिशन वहां पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है जो सीट है वो क्या है आपकी क्या है वेकेंट हो जाती है, और जो आपकी सेकेंड लिस्ट लगती है ना वो आपकी क्या है थोड़ी कम चली जाती है। तो फर्स्ट काउंसलिंग है, सेकंड जो आपकी कट ऑफ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आपके सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फोर ईयर की सीट है वो आपकी क्या है, एक तो हिसार कैंपस के अंदर है जो एचयू हिसार है वहां पे है, दूसरी आपका क्या है कोल के अंदर जो आपका कॉलेज है वहां पे है, और एक बावल के अंदर कॉलेज है वहां पे है। तीनों की अलग अलग कट ऑफ लगती है, तीनों की हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स, यानी कि सबसे पहले क्या है जनरल कैटेगरी की फर्स्ट काउंसलिंग थी 72 पे, ठीक है, और उसके बाद में जो आपकी कोल कॉलेज था उसके अंदर 70 और 69 थी आपकी बावल कैंपस के अंदर। ये है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। और ये क्या है अगर किसी बच्चे के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर नंबर सेम है तो क्या है प्लस टू की परसेंटेज देखी जाती है। ठीक है, प्लस टू की क्या देखी जाती है बच्चों, परसेंटेज देखी जाती है, और प्लस टू के परसेंटेज आपके कोई मायने नहीं रखते एडमिशन के लिए, अगर दो के सेम है तो देखी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस यहाँ पे इसकी जो आप कट ऑफ देख सकते हैं 79 है, प्लस टू के मार्क्स दिए गए हैं ये, ठीक है, प्लस टू के अंदर कितने परसेंटेज थे ये आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं रहेगा। ये है आपके एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स, यानी कि जो पेपर हुआ था एंट्रेंस टेस्ट उसके अंदर जो नंबर थे ये है। एसएससी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे जो कैंपस है 61, 60 और 60.5, ये तीनों की क्या रही थी कट ऑफ रही थी आपकी तीनों अलग अलग कॉलेज की एसएससी कैटेगरी के लिए। उसके बाद में क्या है आपकी डी प्राइवेट एसएससी के लिए रही थी, ये आप देख सकते हैं 53.5, 52.5 और 49.5। ठीक है, उसके बाद में बीसीए कैटेगरी की बात करूं तो 62 रही थी, उसके बाद में 59 रही थी आपकी कोल कैंपस के लिए, और 58 थी आपकी किसके लिए जो आपका बावल केंद्र कैंपस था उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद में बीसीबी की आप देख सकते हैं ये रही है यहाँ पे 63 के आसपास थी, और ईडब्ल्यूएस की 64, 61 और 60 के आसपास आपकी फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर ये आपकी कट ऑफ रही थी। ठीक है, और इसके बाद में क्या है जो आपकी एडिशनल सीट वगैरह होती है वो सेकेंड कट ऑफ के अंदर फिल होती है, और इनका क्या है बाद में सीट अलॉटमेंट आपका जारी कर दिया गया था। ये थी आपकी फर्स्ट कट ऑफ।
उसके बाद में सेकंड कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हैं 2022-23 की सेकंड कट ऑफ है। इसके अंदर क्या था आपका जो जनरल कैटेगरी की थी वो थी आपकी 70, ठीक है, कितनी थी 70 थी आपकी, और उसके बाद में आपके यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉल के अंदर कैंपस है उसके अंदर 67.5 थी और यहाँ पे क्या थी आपकी 66 थी। अगर आप फर्स्ट से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या था आपकी 72, 70 और 69 थी और यहाँ पे आपकी कट ऑफ कम चली गई। आप देख सकते हैं बावल के अंदर जो है 66.5 पे आपका लास्ट एडमिशन हो गया था जनरल कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे एससी कैटेगरी की आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं रही थी तो यहाँ पे कट ऑफ नहीं जारी की गई। डीप्राइड एससी की यहाँ पे देख सकते हैं 48 के राउंड क्या है आपकी लास्ट कट ऑफ रही थी बावल कैंपस के लिए और 52.5 रही थी आपकी हिसार के लिए। और बीसीए की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीसीए कैटेगरी की 56 नंबर पे आपका एडमिशन हो गया था, किसके अंदर बावल और कोल वाले कैंपस के अंदर, और 58.5 हुआ था आपका हिसार के अंदर। और बीसीबी की आप देख सकते हैं ये आपकी कट ऑफ रही थी, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी यहाँ पे कोल कैंपस के अंदर 67 के अंदर एडमिशन हो गया था जो कि आपकी वैकेंट सीट रह गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यानी कि अगर हम कट ऑफ आपको पता चल गए होगी पिछले साल क्या कुछ रही थी, यानी कि आपको क्या है लगभग 70 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप बीसीए से हैं, ठीक है, और आपका टारगेट होना चाहिए बच्चों 75 प्लस का, ठीक है। बाकी क्या है कट ऑफ डिपेंड करती है एग्जाम पे, जो पिछली बार कट ऑफ आपकी लो गई थी क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा क्या था आपका मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, तो जो आपकी कट ऑफ है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी क्या किस पे आपका एग्जाम किस प्रकार का आ रहा है, ठीक है। पिछले बार क्या होता था, पिछले बार थोड़ा आपका एग्जाम है वो अलग टाइप का आया था, पहले क्या थे जैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए वो क्या है सारे पीवाईक्यू से उठाए जा रहे थे, ठीक है, कुछ नया नहीं था। बट पिछली बार क्या थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिला है जिसकी वजह से कट ऑफ भी कम रही है, तो आपकी प्रिपरेशन है वो बूस्ट अप करनी पड़ेगी आपको, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सीट कम है तो फटाफट जाइए अपने टेस्ट सीरीज या जहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, जो भी आपका है वहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कट ऑफ मैंने बता दी पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू।